हेलो एवरीवन। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। देखो, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर याद है तो उसमें क्या था, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आती थी, नेगेटिव के लिए नहीं आती थी। तो इसमें नेगेटिव के लिए भी आती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। और अगर इसकी आप वेव फॉर्म देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो पॉजिटिव ये है इनपुट और ये देख लो पॉजिटिव आउटपुट आ रही है, नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव आउटपुट, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उसके लिए भी पॉजिटिव। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव के लिए भी आउटपुट आई है इसमें और नेगेटिव के लिए भी आउटपुट आई है, ठीक है। तो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर, समझ में आई बात, ठीक है। और ये पल्सेटिंग डीसी है हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव में और ये पल्सेस की फॉर्म में है, तो ये पल्सेटिंग डीसी है। और प्योर डीसी मैंने आपको बताया कैसे होती है, ये बिल्कुल इस तरीके से होती है लाइन, ठीक है। और ये हमें कैसे मिलती है, बाय यूजिंग द फिल्टर्स। तो फिल्टर्स क्या करते हैं, इस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट कर देते हैं प्योर डीसी के अंदर, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल वही है डायग्राम जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इसमें दो डायोड यूज हो रही है। वहां पर एक डायोड यूज हो रही थी, ये देख लो यहाँ पर दो डायोड है, ये डायोड D1 और ये वाली डायोड D2। और यहाँ पर RL, ये देख लो यहाँ पर मिड में लगा हुआ है, और ये इसका हम यहाँ से RL के अक्रॉस आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ये बातें। अब देखो जरा कंस्ट्रक्शन में यही बातें लिख रखी है, देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ P1 P2 एंड S1 S2 एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। मतलब P1 P2 कौन सी है हमारी प्राइमरी, और S1 S2 कौन सी है सेकेंडरी कॉइल है, ये सब आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है, वही बात है, ठीक है। इनपुट AC इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी, देख लो प्राइमरी के अक्रॉस AC इनपुट है, और आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी, और आउटपुट कहां ले रहे हैं हम, सेकेंडरी के अक्रॉस ले रहे हैं। टू डायोड्स D1 एंड D2 विद अ लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ सेकेंडरी, और D1 D2 विद लोड रेजिस्टेंस कहां कनेक्टेड है, अक्रॉस सेकेंडरी के कनेक्टेड है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है ये सब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। टू डायोड्स D1 एंड D2 विद अ लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं, इसमें देखो वर्किंग वैसे ही है जैसे हमने हाफ वेव की, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो चीज समझ लेते हैं। देखो जरा AC इनपुट आपको पता है कैसी होगी, पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, ठीक है। जब पॉजिटिव होगी साइकिल तब हम इसमें लेट कर लेते हैं कि P1 नेगेटिव है और P2 क्या है, पॉजिटिव है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको बता दिया कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्यों यहां पर पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है, कहां पर बताया था मैंने आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो वो जरूर देख लेना, कहीं सीधा फुल वेव पे आ जाओ, ठीक है। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर समझ लो, ठीक। तो यहां नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव इसके P से कनेक्टेड है और इसके N से क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो ये किस में जाएगी, फॉरवर्ड बायस में जाएगी, ठीक है। और अगर इस वाले को देखो, इसका P इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका N जो है, ये वाला N है ना, ये कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो ये किस में जाएगी, रिवर्स बायस में जाएगी। तो ऑब्वियस बात है D1 फॉरवर्ड बायस है, तो ये कंडक्ट, तो RL के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगी, समझ रहे हो इतनी बात। तो देखो पॉजिटिव के लिए D1 की वजह से हमें आउटपुट मिल गई, क्लियर है, ठीक है। और ये D2 तो क्या हो गई थी, रिवर्स बायस में चली गई थी, तो इसकी वजह से आउटपुट नहीं आई, D1 की वजह से आउटपुट आई, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब क्या होगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं ये P1 पॉजिटिव है और ये P2 क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बाय लेंस लॉ ये S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ये बात, S1 नेगेटिव में जाएगा और ये S2 किस में जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है ना, क्योंकि इधर नेगेटिव है, ठीक। अब देख लो जरा क्या होगा, ये D1 का ये वाला P साइड है, P साइड नेगेटिव से कनेक्ट है और इसकी ये N साइड किससे कनेक्ट है, प्लस से कनेक्ट है, तो ये किस में जाएगा, रिवर्स वाइज में। और D2 को देख लो, D2 का ये P साइड किससे कनेक्ट है, प्लस से, और ये N साइड जो है ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो ये किस में जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में, तो मतलब ये कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो डायोड D2 जो है ये कंडक्ट करेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट मिलेगी हमें RL के अक्रॉस। तो ये देख लो, जब नेगेटिव साइकिल आई तो किसकी वजह से आउटपुट आई है, D2 की वजह से आउटपुट आई है, ठीक है। सिमिलरली ये रिपीट होता रहेगा, प्लस के केस में क्या होगा, फिर D1 कंडक्ट करेगी उसकी वजह से आउटपुट, और नेगेटिव के केस में D2 कंडक्ट करेगी तो उसकी वजह से आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये चलता ही रहेगा, तो ये आपको पल्सेटिंग डीसी मिलती रहेगी, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग है, जिसमें आपको पॉजिटिव के लिए भी मिलती है आउटपुट और नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिलती है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इस चीज को पढ़ भी लेते हैं, यहां देखो वर्किंग में यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव एंड P2 टू बी पॉजिटिव एंड ड्यू टू द लेंस लॉ S1 विल बिकम पॉजिटिव एंड S2 विल बिकम नेगेटिव, समझ रहे हो ये बात, यही बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल बी रिवर्स वाइज एंड देयरफॉर वी विल गेट द आउटपुट थ्रू D1, क्लियर है। और फिर हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की, वो यहां पर लिख रखी है, देखो क्या है, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल P1 विल बिकम पॉजिटिव एंड P2 विल बिकम नेगेटिव, यही आपको बताया था, एंड ड्यू टू द लेंस लॉ S1 क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव एंड S2 विल
पॉजिटिव, क्लियर, क्योंकि पी टू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए एस टू क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर द डायोड डी टू इन फॉरवर्ड बायस एंड हेंस वी गेट द आउटपुट थ्रू डी टू एंड दस इट गिव्स द आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स। बोथ द हाफ साइकिल्स की वजह से पॉजिटिव दी हमने तो डी वन की वजह से आउटपुट मिली, और जब नेगेटिव दी तो डी टू की वजह से हमें आउटपुट मिली। तो दस इट गिव्स आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल, देयरफॉर इट इज वेव रेक्टिफायर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म है, ये मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, यहाँ पर ही देख लो, पॉजिटिव के लिए D1 की वजह से आउटपुट, नेगेटिव के लिए D2 की वजह से आउटपुट। ठीक है, और सिमिलरली ये आगे भी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था चार्जर वाला एग्जांपल, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कहानी, ठीक है ना, कि वो फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है वहां पर, क्योंकि ये देख लो ना कि यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी आउटपुट है, नेगेटिव के लिए भी आउटपुट है। ठीक है, तो पल्सेटिंग डीसी को हम प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगी ये, समझ रहे हो लाइन। और वो किसके थ्रू करते हैं, हम फिल्टर्स के थ्रू करते हैं। तो जिसने हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देखा है एक बार वहां चले जाओ, तो आपको चार्जर वाली कहानी भी थोड़ी समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर है अब बात आपको। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमने, वो क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.2% एंड एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 80.4%। मतलब एकदम से डबल है। डबल क्यों है, देखो हाफ वेव में सिर्फ जो है हमारे पास पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट आती थी, लेकिन फुल वेव में क्या हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव के लिए भी आउटपुट आई है और नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट आई है। तो ऑब्वियस बात है, डबल हो जानी है एफिशिएंसी। तो 80.4% फुल वेव की है और हाफ वेव की कितनी रहती है, 40.2%। अभी 100% नहीं हो सकती, 100% क्यों नहीं होती, क्योंकि लॉसेस तो होते ही है, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़े थे, ठीक है ना, लॉसेस तो होते ही है, तो फुल 100% तो नहीं आ सकती, वो तो आइडियल केस होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से। तो जो ये एफिशिएंसी है ये कितनी है, 80.4% है, क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है, फुल वेव आपके पास ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 80.4% है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए मैं बार बार चार्जर का जब एग्जांपल दे रहा था आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि चार्जर में भी जो यूज होता है वो आपका फुल वेव ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है हमारे पास, कि दिस पल्सेटिंग डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी बाय यूज ऑफ फिल्टर सर्किट लाइक कैपेसिटर इंडक्टर एक्सेट्रा। ये मैंने आपको बताया भी है कि जो पल्सेटिंग डीसी है इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय यूजिंग फिल्टर्स, किसमें, प्योर डीसी में। ठीक है, तो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर्स, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना आप। इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म भी कई बार पेपर में आती है अलग से, कि पूरा वर्किंग ना पूछे आपसे, सिर्फ इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म ही पूछ ले, फुल वेव की या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए, क्लियर। तो आपने देख भी लिया वर्किंग भी कितनी सिंपल थी है, कुछ भी नहीं, अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप वहाँ खुद से लिख सकते हो एग्जाम में ये। ठीक है, और डायग्राम भी आपको आता ही है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर आता है तो ये डायग्राम बिल्कुल इजी है, ट्रांसफॉर्मर ही है बस, क्या लगी हुई है, डायोड्स लगी हुई है एक्स्ट्रा, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।